हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में हमारे शरीर के 6 हिस्से शामिल हैं। पहला हमारा मुंह, दूसरा स्टमक यानी अमाशय, तीसरा लीवर, चौथा पैनक्रियास ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और छठा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत शामिल है। हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने की शुरुआत हमारे मुँह से ही शुरू हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को हमारा दांत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब हमारे मुंह के अंदर मौजूद स्लाइवेरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां उस खाने में स्लाइवा यानी लार को छोड़ना शुरू कर देती है। मुंह के अंदर खाना को पचाने का काम यही स्लाइवा करता है। स्लाइवा में मेन 3 एंजाइम होते हैं जो खाना को पचाने का काम करते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन और म्यूकस। लाइसोजाइम हमारे द्वारा खाए गए खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। टाइलिन खाने में मौजूद स्टार्च जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है उसे निकाल लेता है, और स्लाइवा में मौजूद म्यूकस का काम खाने को चिपचिपा बनाना है ताकि वो पेट के अंदर आसानी से जा सके। अब ये खाना एसोफेगस यानी ग्रास नली से होते हुए स्टमक तक पहुंचता है। ये एसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। खाना स्टमक में पहुंचने के बाद स्टमक इस खाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ता है ताकि जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया मुंह के अंदर नहीं मर पाए थे वो अब अच्छी तरह से मर जाएं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टमक में मौजूद खाना और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पतला हो जाता है। स्टमक के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस को छोड़ता है। इस गैस्ट्रिक जूस में रेनिन और पेप्सिन 2 एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन और पेप्सिन का काम खाने को पचाकर उनमें मौजूद प्रोटीन को निकालना है। पेप्सिन खाने में मौजूद प्रोटीन को अलग करके उसे तोड़कर प्रोटीन के एक स्मॉलेस्ट फॉर्म पेप्टोन में ज़्यादा खाना खाते हैं, स्टमक उस खाने को पचाने के लिए उतना ही ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। इसलिए जब कोई इंसान हद से ज़्यादा खाना खा लेता है तब स्टमक में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाने के कारण खाना एसिडिक हो जाता है और गैस बनाने लगता है, तब इसे ही हम एसिडिटी कहते हैं। इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। हम जो इनो पीते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, और हम सब ये बात जानते ही हैं कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए इनो पीने के तुरंत बाद एसिडिटी ठीक हो जाता है। स्टमक में खाना 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे बाद स्टमक से अधपचा खाना निकलकर अब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7 मीटर लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचने के बाद लीवर इसमें बाइल जूस यानी पित्त को छोड़ता है। लीवर द्वारा छोड़ा गया बाइल जूस क्षारीय प्रकृति का होता है। छोटी आंत अम्लीय खाने को नहीं पचा पाती है, इसलिए स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण अम्लीय बना हुआ खाना बाइल जूस मिक्स होने के कारण निष्क्रिय हो जाता है। बाइल जूस फैट यानी वसा को भी पचाने का काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचने के बाद पैनक्रियास ग्लैंड इस खाने को और भी अच्छे तरीके से पचाने के लिए इसमें पैनक्रियाटिक जूस को छोड़ता है। इस पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम टिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं। टिप्सिन स्टमक में टूटे हुए प्रोटीन पेप्टोन को फिर से तोड़कर प्रोटीन के और भी स्मॉलेस्ट फॉर्म पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज खाने को पचाकर खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को निकाल लेता है, और लाइपेज खाने में मौजूद फैट को निकाल लेता है। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से पच जाता है। खाना पूरी तरह से पचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले भाग में जमा हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इस भाग को इलियम कहते हैं। इलियम खाने से मिले हुए न्यूट्रिशंस को खून में घुलनशील बनाने के लिए कुछ एंजाइम को छोड़ता है, जिससे प्रोटीन से टूटा हुआ पेप्टाइड अब एमिनो एसिड में बदल जाता है। एमिनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है। इलियम के एंजाइम के कारण कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और फैट फैटी एसिड में बदल जाता है। अब एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज इन तीनों को रेड ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब कर सकता है। इलियम में फिंगर शेप के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हें विलाई कहते हैं। इन विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स यानी बहुत ही पतली पतली खून की नलिकाएँ होती हैं। जब इलियम में एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड बन जाते हैं तब इन विलाई द्वारा इन्हें एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाता है। अब ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स इन न्यूट्रिशंस को बॉडी सेल्स तक पहुंचा देते हैं। खाने में मौजूद मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों को स्मॉल इंटेस्टाइन को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें विलाई द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटीन को पचाने में सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पहले प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन बनाना पड़ता है, फिर पेप्टोन को तोड़कर पेप्टाइड, और फिर लास्ट में पेप्टाइड को तोड़कर एमिनो एसिड बनाना पड़ता है, तब जाकर इसका अवशोषण छोटी आंत द्वारा हो पाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से पचने और एब्जॉर्ब होने के बाद अब खाने का बचा हुआ वेस्ट मटेरियल पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में।
स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से पच तो जाता है पर उसमें अभी भी पानी मौजूद रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम पचे हुए खाने के वेस्ट मटेरियल में से पानी को सोखना है। लार्ज इंटेस्टाइन खाने के वेस्ट मटेरियल में से पानी को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता है। अब ये वेस्ट मटेरियल रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाता है। रेक्टम में खाना इकट्ठा हो जाने के बाद इंसान बाथरूम को याद करने लगता है। फिर बाथरूम में जाने के बाद ये वेस्ट मटेरियल एनस के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हमारे द्वारा खाए गए खाने को मुंह से लेकर एनस से बाहर निकलने तक 32 फीट यानी लगभग 9 मीटर तक का सफ़र तय करना पड़ता है। इस तरह से हमारे द्वारा खाया गया खाना हमारे शरीर में फंसता है। उम्मीद है कि आप हमारे पाचन तंत्र को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।